हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ। अभी भी मैं घर से निकल रही हूँ। आज का ब्लॉग में क्या है मैं बोलने वाला हूँ। आज के ब्लॉग में एक हनुमान जी का प्रतिभा का वो उद्घाटन है। आज GTS नव निर्वाचित सभासद अनि सभासद चिटोंग का सभासद वो GTA का चेयरमैन अनित थापा सर ने जी ने आज वो हनुमान जी का वो प्रतिभा आज उद्घाटन करने वाला है। उसी जगह पे मैं जाने वाला हूँ। दूर है हमारा गांव से, वो हम ऊपर माना तक पैदल चल के वहाँ से गाड़ी में जाएंगे। गाइस, मेरा वीडियो देखते रहे और अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब अनि शेयर कीजिए। हेलो गाइस, मैं बहुत थक गया हूँ। ये रास्ता बहुत ऊपर है, ऐसे ऊपर है। यहाँ पर पैदल चलने का बहुत थकता है पैदल चलने से। अभी इतना दूर है ऊपर मैं जा रही हूँ। इतना मेहनत करके मैं आज का ब्लॉग बना रही हूँ। गाइस, मेरे ब्लॉग को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, याकि मैं और अच्छा से ब्लॉग बनाऊं, वीडियोस बनाऊं, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। गाइस, हमारा गांव का ये कच्चा रास्ता देखो, ये वो ग्राउंड है मामी स्कूल का। वो मामी स्कूल बोलता है, वहाँ पर एक ग्राउंड है, वही ग्राउंड है वहाँ पर। और हमारा ये गांव का ये कच्चा रास्ता, यहाँ पर गाड़ी भी कम चलता है, वो फोर व्हील वाला गाड़ी चलता है और कुछ नहीं चलता है यहाँ पर। कि यहाँ पर गांव के लोगों को तकलीफ होता है रास्ता खराब की वजह से, यहाँ पर बीमार वगैरह होता है तो बोक कर लाना पड़ता है वो हाईवे तक, मेन रोड तक। यहाँ पर वो रास्ता खराब होने के वजह से यहाँ पर वो बीमारी लोग, पेशेंट लोग वो दम तोड़ जाता है। जाते ही वो यही बाटो पर हॉस्पिटल लाते हुए समय में मरता है। और देखिए ये रास्ता, आप मैं पूछने ही वाला हूँ। मैं रोड तक वहाँ से गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी मिलता है नहीं, गाड़ी नहीं मिलेंगे तो पैदल चढ़ के जाएंगे। गाइस, थक गई हूँ। यहाँ पर रास्ता सीधा है, नीचे तो ऊपर था, ये ऊपर वेस्ट से जाने का रास्ता है। मैं आज कितना थक गई हूँ गाइस। हनुमान जी की मैं मूर्ति देखने के लिए जा रही हूँ। गाइस, आप लोग को भी अच्छे से मूर्ति दिखाऊंगा और मैं भी देखूंगी। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए गाइस, सपोर्ट कीजिए। हेलो गाइस, गाड़ी लेट होने की वजह से हम लोग लेट हो गए। अब गाड़ी में एक गाड़ी का छप्पर में चढ़ के जा रही हूँ मैं आज हनुमान का मूर्ति देखने के लिए। वो उद्घाटन वगैरह सब कुछ हो गया, हम लेट हो गया गाड़ी की वजह से। आज गाड़ी नहीं मिला ना हमको, यहाँ पर माना पे आके बहुत रुक गया और मैं गाड़ी नहीं पाया, उसके बाद मैं लेट हो गया। अब जा रही हूँ हनुमान के मूर्ति देखने के लिए। हम लोग गाड़ी के थप्पड़ में चढ़ के गाइस। गाइस, में हनुमान के मूर्ति के सामने पहुँचने ही वाला हूँ। थोड़ी देर बाद में पहुँचूँगा, अब ज़्यादा देर नहीं है।
पहुँचने ही वाला हूँ, 2-3 मिनट लगेंगे गाइस। हम गाड़ी जा रहे हो, अच्छा नज़ारा है यहाँ से ऊपर। ये ऊपर ये टी गार्डन देखिए, ये ऊपर ये गुरुंग मोनास्ट्री है, गुरुंग गुम्बा, यहाँ ऊपर गुरुंग गुम्बा है। मैं आप हनुमान जी के मूर्ति के सामने पहुँचने वाला हूँ, देखो पहुँचने वाला हूँ आप, वो ट्रॉनिंग है। उसके बाद हम लोग हनुमान जी के वो मूर्ति के सामने पहुँचेंगे गाइस। देखो पहुँचने वाला है, गिर कैसा होगा। यहाँ पर नामचिंग लेक है, नामचिंग पुखोरी, हम लोग पहुँच गए गाइस। देखिए हनुमान, हनुमान का मूर्ति देख रही है, वहाँ पर जा रही है रास्ता। ओके गाइस, ये नामचिंग लेक है, नामचिंग लेक देखिए। गाड़ी का बहुत भीड़ है, देखो गाड़ी का लाइन देखिए। पहुँच गए गाइस, हनुमान जी की मूर्ति के सामने गाइस। देखिए पहुँचने वाला, ओ माय सेवा, थोड़ा थोड़ा पानी है वहाँ पर, पूरा वो पाया हुआ है। तपाईँहरू देख्नु भइरहेको छ यहाँ हनुमानजीको यहाँ मूर्ति तपाईँहरूको सामने देख्नु भइरहेको छ। त्यो मजाको बनिएको छ। आज यहाँ शिलान्यास भन्दा पनि आज ओपनिङ सेरेमनी थियो, आज उद्घाटन थियो। यो ठाउँ तपाईँहरूले चिन्नुभएको छैन भने तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो ठाउँ चाहिँ सेल्पुमाथिको आलडाँडा छेउ हो, आलडाँडाको नामथिङ पोखरी भन्ने यो जुन यो हनुमानको पछिपट्टि चाहिँ एउटा लेक छ, नामथिङ लेक सिटोङ पर्छ। यहाँ आज मान्छेहरूको भिडहरू यो प्रकारको चाहियो, तपाईँहरूले हनुमानजीकै अब तपाईँको दर्शन गर्नुहुन्छ भ्यू हेरेर होइन तपाईँको भिडियोमा लाइक गाइस। मैले बहुत खुस लगाएँ, मैले आज चाहिँ यहाँ नामथिङ पोखरी म्याच हनुमानजीको मूर्ति देख लिएँ मैले। ए नामथिङ लेके, नामथिङ लेके अभी अभी यहाँ पर पानी कम है, यहाँ पर नामथिङ देखिए अभी अभी पानी कम है, यहाँ पर सूख गया। तो की वजह से आप मैं मंदिर की तरफ जा रही हो गाइस। ये नामचिंग पोखरी का, नामचिंग पोखरी का एरिया है। मैं देखूँगा आप लोग, यहाँ पर मैं जा रही हूँ गाइस। ये देखिए वहाँ वहाँ पर है हनुमान जी का मूर्ति, वहाँ पर है। देखिए मैं जा रही हूँ, आप लोग मैं नामचिंग पोखरी देखने वाला हूँ। तो ये नामचिंग पोखरी है, ये कम कम पानी है यहाँ पर। देखो ये नामचिंग पोखरी, नामचिंग का पोखरी है, लेक नामचिंग का लेक बहुत सारा है यहाँ पर। आज आया है बड़ी करीब से देखने वाला हूँ। देखिए ये धूप की वजह से ये पानी यहाँ पर सूख गया है गाइस। वहाँ पर है हनुमान जी का स्टेच्यू। मैं करीब से नामथिंग पोखरी देखने वाला हूँ गाइस। देखो ये नामथिंग लेके यहाँ पर अभी ये वो समर सीजन, वो रेनी सीजन भी अब ये कम होने वाला है यार। विंटर
सीजन में पानी नहीं आएगा, इसकी वजह से ये पानी आका सूख गया है, धूप की वजह से। उधर उधर है हनुमान जी का मूर्ति। ॐ जय जगति सहरे, ॐ जय जगति सहरे, प्रभु को चरण उपासक कति कति पार तरे। ये देखिए हनुमान जी का ये मूर्ति था, आप लोग को दिखा रही है, देखो ये कितना अच्छा है। इसके पीछे ये नामथिंग देखे आप लोग को, ये मूर्ति का ये नीचे वाला पार्ट है, देखिए पूरा पार्ट देखिए, मूर्ति का बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर नामथिंग बोरे में। गाइस ये देखिए नामथिंग लेक का नज़ारा बहुत अच्छा दिख रही है, इसी वजह से हम लोग आज नामथिंग का ब्लॉग कर रहे हैं। देखिए हनुमान जी की मूर्ति के सामने कितना लंबा है, छोटा है। अभी टीका लगा है पंडित जी, हमें थोड़ी देर में अपने भी लगाऊंगे। ये नामथिंग देख रहे हैं, नामथिंग को कोई बोल रहा है, ये हनुमान जी का है। इस तरफ से कुछ गुलस्तम कदा बोलता है, टीका लगा बांधिया अपने घर जाने वाला हो गाइस। आज का ब्लॉग इतना ही, हम लोग आपको आप फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आप लोगों को। आज का ब्लॉग इतना ही, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, अच्छे लगे तो शेयर भी कीजिए गाइस। आप मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ फिर मैं आऊँगी आपके सामने गाइस। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।